स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं फिजिक्स का अध्याय 2 विद्युत धारिता एवं विभव के ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, और कुछ IMP क्वेश्चन भी हैं बड़े बड़े, जो भी आप जरूर देखें और उनको लिखें जरूर। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। सबसे पहले ऑफलाइन वाले सुन लीजिए, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है। ओके, आपको इन दोनों की क्या लिखनी है, डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है। मैं यहाँ पर समझा भी देता हूँ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान, विभव एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, विभव समान हो, और विभवांतर हमेशा इनके बीच में क्या होता है, शून्य होता है। अगर समान होगा तो विभवांतर क्या होगा, शून्य होगा। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं, सिंपल सी बात है, विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली काल्पनिक रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। इन दोनों के बीच में सदैव कोण होता है 90 डिग्री का, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा समविभव पृष्ठ के। ओके, ऑब्वियस बात है, इसमें को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख लेना। नेक्स्ट आगे देखिए, दो बिंदु आवेश दे रखे हैं हमारे पास Q और 2A, जो 2A दूरी पर है, इनके ठीक मध्य बिंदु, मतलब एक्चुअली में एक तरीके से एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है जिसके इधर भी क्यू है, इधर भी क्यू है, और ये 2A दूरी पर रखा है। तो इनके मध्य बिंदु पर हमारे पास जो है, आपसे पूछा गया है ठीक मध्य बिंदु पर विभव क्या होगा, तो मध्य बिंदु पर विभव होता है शून्य। अपन ने निरक्षी स्थिति पढ़ी थी, एक निरक्षी स्थिति में हमने पढ़ा था, यहाँ पर हमने निकाला था। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, निरक्षी स्थिति के प्रत्येक बिंदु पर, ये जितने बिंदु मैंने यहाँ पर बनाए हैं, सब बिंदु निरक्षी स्थिति में आते हैं, और सभी बिंदुओं पर जो विभव का मान है वो कितना होता है, शून्य होता है। और निरक्षी स्थिति में अपन ने देखा था व्यंजक भी क्या आया था, शून्य आया था। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, किसी 10 कूलम आवेश देने पर किसी चालक में 2 वोल्ट की वृद्धि होती है, तो चालक की धारिता बताइए। तो आपको धारिता वाला सूत्र पता होना चाहिए, मैं वैसे इसको केमिस्ट्री की तरीके से याद रखता हूँ, Q बराबर CV, या तो इस तरीके से लिख लीजिए, या ये वाला क्यों लिख लीजिए, Q बराबर CV, मैं हमेशा यही याद रखता हूँ, क्योंकि CV CP आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है, तो ये वी कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। क्या निकालना है मुझे, सी निकालना है, तो सी इधर रह जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, कौन आ जाएगा, बटे में वी, किसके बटे में आ जाएगा, क्यू के। क्यू हमारे पास कितना दे रखा है, 10 कूलम, ठीक है, और विभव में कितनी वृद्धि हो रही है, 2 से काटा तो 2×5 = 10। यहाँ से एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी कि धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है, तो 5 फेरेड की वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको लिख लेनी है, आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, और CGS मात्रक स्थेत कूलम होता है, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, और CGS मात्रक स्थेत वोल्ट होता है। उसी तरीके से धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है, और CGS मात्रक स्थेत फेरेड होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दो संधारित्र हैं, समांतर क्रम जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन अपन ने एक चीज़ देखी थी कि समांतर क्रम में संधारित्र ऐसे जुड़ते, C1 then C2, प्रतिरोध थोड़े उल्टे जुड़ते, पता है ना, प्रतिरोध 1/R1 then 1/R2 इस प्रकार से जुड़ते, लेकिन संधारित्र में हमेशा याद रखना, संधारित्र में अपने पास समांतर क्रम में ऐसे जुड़ते हैं और श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि अगर इसका सूत्र ऐसा बन रहा है, C बराबर C1 then C2, तो ये डायरेक्ट सूत्र बन रहा है, तो ये सूत्र कहाँ से आया होगा, देखो CV बराबर C1V then C2V, तभी तो ये VV कटा होगा, तो क्या समान होगा, विभव समान होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा, समांतर क्रम में विभव समान होता है, और याद रखना यहाँ पर अगर श्रेणी क्रम आ जाए ना, तो उसमें आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, समांतर क्रम में विभव समान होता है, इसका आंसर तो विभव आ जाएगा, और साथ साथ आप श्रेणी क्रम वाला भी लिख लीजिएगा, और जो दो सूत्र बताए वो भी कर लीजिएगा, कि समांतर क्रम में कभी भी संधारित्र को जोड़ते हैं तो ये सूत्र बनता है, C बराबर C1 then C2 then C3, इस तरीके से, और श्रेणी क्रम में जुड़ता है तो 1/C बराबर 1/C1 1/C2, इस तरीके से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है पांचवा वाला, समान धारिता के 2 संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, दोनों स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात क्या होगा। देखो मुझे नहीं आता है कि इसका क्या होगा, एक परफेक्ट आंसर नहीं बता सकते, लेकिन अपन एक चीज़ ले सकते हैं कि हमने माना कि 2 संधारित्र 2-2 के ले लो, एक एक ही नहीं लेने, क्योंकि ये में तो उत्तर सेम आएगा, 1:1 आएगा, बहुत सारे उत्तर आते हैं इसके, तो आप देखना जिसे हमने ले लिया 2, अब देखो पहले इन्होंने किस में जोड़ा, उसको समांतर क्रम में जोड़ा, और फिर काय में जोड़ा, श्रेणी क्रम में। अभी अपन ने सूत्र देखा था, ध्यान से देखना, मैं उस सूत्र को पूरा हल कराता हूँ। तो श्रेणी क्रम में तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, और देखना समांतर क्रम में कैसे जुड़ते हैं, बटे में करके जुड़ते हैं, ध्यान से देखना आप, 1/2 × 1/2 कितना आएगा उत्तर, LCM आ जाएगा 2, और ऊपर 1 और 1 जुड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2, इसको काटेंगे अपने पास तो उत्तर क्या आएगा, 1, और इसका उल्टा भी करोगे तो भी कितना आएगा उत्तर, 1, मतलब आपको उत्तर आ रहा है 4:1। याद रखना श्रेणी क्रम में इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, 4:1 उत्तर आ जाएगा आपके पास, 4:1। अगर यहीं ये प्रतिरोध बोल देता,
या प्रतिरोध के अलावा अपन एक और चीज पढ़ी था ना, LCR, एल मतलब प्रेरकत्व भी होता, तो वहां पर 1:4 आता, क्योंकि वहां पर समांतर क्रम में थोड़ा कम आता है। ठीक है, अभी इतना डिस्कस नहीं करूंगा मैं, आप केवल इसी धारिता संधारित्र को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर 4:1 कैसे आया सबको समझ में आया? ठीक है, उनको जोड़ा अपन ने, 2 × 2 कितना आया, 4 आया, और 1/2 × 1/2 मतलब आधा धन आधा कितना होता है, 1 होता है, और 1 का उल्टा भी 1 ही होता है, इसलिए उत्तर हमारे पास 4:1 आता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और 6th question देख लीजिए। यहाँ से हमारे पास दे रखा एक आवेश दे रखा 2.μC का, मतलब होता है स्थित गुलाम। ठीक है, μC दे रखा सॉरी, और यहाँ पर दे रखा 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो उसका विभव आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर दूरी दे रखी है और आवेश दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास जो सूत्र था, आपको पता ही है कौन सा सूत्र था, विभव का 1/4πE0 × Q/R, ये विभव का सूत्र होता है, ये सूत्र जरूर लगाइए और आप वैल्यू निकाल कर मुझे कमेंट जरूर करें इस 6th वाले का उत्तर क्या आ रहा है। ओके, 1/4πE0, इसका वैल्यू क्या था, होता था अपन ने पढ़ा है 9 × 10⁻⁹ रखना, क्यू की जगह क्या रखना, 2μC रखना। μC का अर्थ है कुलाम से कुछ अलग है, एक स्थित कुलाम में कितने कुलाम होते हैं उसको थोड़ा सा वैल्यू लिखना, और यहाँ पर 5 वैल्यू रख देना, और फिर आप हल करके निकाल सकते हो आराम से। ओके, तो आपको कौन सा व्यंजक लगाना है, यहाँ पर वी बराबर 1/4πE0 जो k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q/R। ओके, अगर विद्युत क्षेत्र होता तो यहाँ स्क्वेयर आ जाता, और अगर फोर्स होता, बल होता, कुलाम बल होता, तो यहाँ पर एक और क्यू आ जाता, लेकिन अभी ये दोनों नहीं आने चाहिए। ओके, चलिए आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों नहीं आएंगे। ओके, चलो तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 1/r, ये वाला सूत्र लगाना है। ओके, और मुझे उत्तर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अपन, थोड़ा सा अलग ले लें क्या कलर, चलो अलग कलर लेते हैं, देखिए कैसा लगता है अपने को, कौन सा लें, चलो पिंक ले लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 1 फेरेड में कितने स्थित फेरेड होते हैं, ये भी जरूर याद रखिए, 1 फेरेड में कितने स्थित फेरेड होते हैं, तो याद रखना 10^12, जब भी स्थित फेरेड छोटा है ना, इसलिए 10^12 स्थित फेरेड होती है। आप निकाल भी सकते हैं अगर आप थोड़े से बेसिक्स आपने पढ़े हो तो। ओके, जैसे विभव का सूत्र क्या होता है, धारिता का सूत्र क्या होता है, कहाँ से आया ये व्यंजक, यहाँ से आप शुरू से 11th से चीज़ें क्लियर करोगे तो ये आराम से निकल सकता है, नहीं क्लियर कर पाओ तो डायरेक्टली याद रख लेना 1 फेरेड में 10^12 स्थित फेरेड होते हैं। नेक्स्ट आपको ये तो पता ही है कि जूल बराबर क्या होता है, कूलम गुणित क्या होगा, तो आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, विभव जो है, अपन ने जो व्यंजक निकाला था, विभव जो है वो अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। अब ध्यान दो, ये इसका मात्रक है जूल, इसका मात्रक है कूलम, ठीक है, इसका मात्रक है कूलम, तो ये अगर ये कूलम इधर गुणे में जाएगा तो कूलम गुणित क्या होगा, वी का वोल्ट होगा ही होगा, तो इसका उत्तर आज आपके आ जाएगा कूलम इंटू वोल्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक समान एक वाक्य में उत्तर देने हैं आपको, आराम से आप देख सकते हैं, समान प्लेट संधारित्र का संधारित्र की प्लेटों के बीच दूरी बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने बता रखा है क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दो प्लेट इस तरीके से संधारित्र की दो प्लेटें होती है, उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और उनका क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्लेटों का क्या प्रभाव पड़ेगा, और इनके बीच में कोई माध्यम रख दिया जाए जैसे कागज रख दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तीनों ही चीज़ें मैंने बता रखी। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कागज बनने पर उसकी धारिता का प्रभाव क्या होगा, तो उसकी धारिता क्या याद रखना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसका जरूर मैं बताया था, बढ़ जाएगी, आपको पहले वाले का आंसर जरूर देना है। ओके, नेक्स्ट तीसरा वाला आपने 11th में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखो अभी अपन ने देखा, यहाँ पर ध्यान से अगर इस दूसरे वाले क्वेश्चन को देखो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में किसका होता है, आवेश का मात्रक होता है, और वोल्ट विभव का होता है, और जूल किसका होता है, कार्य का, लेकिन यहाँ पर अपन लिख लेंगे ऊर्जा का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसे मात्रक होता है, तो मात्रक होता है ऊर्जा का, ऐसा ही मात्रक तो जूल ही होता है ऊर्जा का, लेकिन यहाँ पर मात्रक पूछा है तो किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का या कार्य का भी बोल सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा बेसिक अगर आप लगाएंगे ऊपर नीचे देखकर तो आप आराम से चीज़ें क्लियर कर पाएंगे, सभी चीज़ें याद रखने की आवश्यकता नहीं है अपने को, इनमें किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं उनको थोड़ा सा देखना है। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित ही। ओके, ये ऑब्जेक्टिव अपन ने कर लिया, दो दो अंक के क्वेश्चन फटाफट से देख लो, और आपको ये घर से करने हैं, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, ये तो देखो मैंने ऊपर डेफिनेशन के लिए बोली दिया, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो वो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ की विशेषता बड़ी आसान सी है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, समविभव के प्रत्येक बिंदुओं के बीच में विभवांतर क्या होता है, शून्य होता है, और एक और चीज अपन ने पढ़ी, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच में कोण कितने का होता है, 90 डिग्री होता है, ये बड़ी आसान सी इसकी कर सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा वाला आपको पता है, 3 संधारित्र अगर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट जोड़ लेना, 2, 3, 5 और 4, 9 PF नहीं, यहाँ पर μF होना चाहिए था।
ठीक है, इन्होंने पीएफ दे दिया तो आप पीएफ दे दिया, अगर आपके एग्जाम में पीएफ आया तो आप पीएफ ही ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर म्यूएफ देना चाहिए था उनको। नेक्स्ट, और अगर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं तो पार्श्वक्रम, देखो यहाँ पर समांतर क्रम की बोला, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम एक ही चीज़ है, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास इसका उत्तर केवल 2, 3, 4 इनको जोड़ना है तो टोटल आंसर आ जाएगा 5। श्रेणी क्रम, सॉरी, समांतर क्रम और पार्श्वक्रम दोनों सेम चीज़ होती है, ओके। और श्रेणी क्रम अगर होता है तो किस तरीके से जोड़ते हैं, इनको इस तरीके से जोड़ते हैं, ओके। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? यहाँ पर मैं साथ साथ प्रतिरोध भी बता रहा हूँ, प्रतिरोध में उल्टा होता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको सबको जोड़कर एलसीएम लेकर जोड़कर फिर उसको उल्टा कर देना उत्तर, ओके, अगर आपको श्रेणी क्रम में पूछता तो। नेक्स्ट, किसी चालक की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, आपको पूरा पढ़ा रखा है मैंने धारिता वाला, इसको भी जरूर अच्छे से करिएगा। आगे देखिए 5 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार शायद 5 नंबर के नहीं है लेकिन 4 नंबर के जो भी पूछें आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कौन सा वाला प्रश्न एग्जाम में आने के जैसे चांसेस है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखा है समांतर श्रेणी क्रम वाला, संयोजन का चित्र वाला पूछ सकता है। ऊर्जा हानि का चीज़ हट गया, ये हट गया है ना, ये इस बार हट गया है, ये टॉपिक ऊर्जा हानि वाला मैंने शायद देखा था, ये हट गया, और अगर मैंने लिखा रखा होता ज़रूर आप लिख लीजिएगा, ओके, ठीक है। और तो ये हमारे पास दूसरे अध्याय के मैंने ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बता दिए, और आप खासकर पहले वाले अध्याय में से अक्षी निरक्षी गुलाम नियम गोस नियम वो उनको ज़रूर अच्छे से कर लीजिएगा तो आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएगी, ओके। और ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तीसरा वाला भी, किस तरीके से धारिताओं का अनुपात में होता है इसको सिद्ध करना है, ओके। और संधारित्र के प्लेट में धारिता का सूत्र क्या है, प्लेटों में आंशिक रूप से परावर्तितांक माध्य संधारित्र वाली चीज़ जो है व्यंजक, आप निकाल सको तो बढ़िया बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जितने क्वेश्चन बताए उतने जरूर करिएगा। कल अगले वीडियो में मैं अध्याय 3 के बताऊंगा आपको विद्युत धारा की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अपनी इस किताब का यही है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर के पूछने वाला है और अकेला एक यूनिट लेकर चलता है, ओके। तो देखते हैं, और त्रैमासिक के लिए भी बहुत आईएमपी चैप्टर है तीसरा वाला, तो उस वीडियो को जरूर देखें, पिछला वाला वीडियो जरूर देखें, वहाँ पर भी कमेंट करें, और इस वाले वीडियो को भी अगर आपने पूरा देख लिया हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।